राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन चकबंदी ऑफिस में किया गया। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग से संबंधित ज्ञापन जनपद के अधिकतर जनप्रतिनिधियों को दिया गया है और जनपद के सभी विभागों में अलग अलग बैठक कर पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों को एकजुट करके आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर संघर्ष और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन एक पुत्र के समान है, जब कोई पुत्र काम नहीं करता तो पेंशन पुत्र के रूप में काम करता है, इसलिए सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करे। बैठक में परिषद के जिला उपाध्यक्ष वीवी सिंह, मंत्री डीके सिंह, अजय कुमार, सोनबाला सोनकर, रवि गुप्ता, राजेश मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्गविजय ने कहा, चकबंदी आपके दीवान बाजार में राज कर्मचारी परिषद की परिषद के मुख्य बिंदुओं पर पिछले 20 सितंबर से 30 सितंबर तक कार्यक्रम से हुए साथियों को जगाया जाए, कार्यालय चलकर के ऑफिस चलकर के उसके घर पर चलकर इसी व्यवस्था के तहत जन जागरण कार्यक्रम के तहत आज प्रांतीय प्रतिनिधियों के अलावा जनपद स्तर प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। जो संख्या आपके सामने आप दिखाई दे रही है, ये करोड़ों करोड़ों की लाखों लाखों की हुजूम लेकर के प्रदेश में नेतृत्व करती है। ऐसी शख्सियत भी आपके बीच में बैठे हुए हैं साथियों। अभी आपके सामने अपने प्रतिनिधियों के बारे में, अपने कर्मचारियों के बारे में, इस पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मैं दुर्ग विजय, जिलाध्यक्ष राज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। ये बैठक कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तहत पिछले 20 सितंबर से 30 सितंबर तक माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनको ज्ञापन दिया गया था। उसकी समीक्षा बैठक पूरे हमारे जनपद गोरखपुर के सारे विभागों के प्रतिनिधि आए हैं, उसकी समीक्षा बैठक चल रही है। और उसके बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली पर कैसे हम लोग रणनीति बनाया जाए, कैसे उस आंदोलन को तेज किया जाए, इस कार्यक्रम के तहत हमारे सारे प्रांतीय पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, जनपद पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। आज रणनीति तय की जा रही है। इसके बाद जो भी हमारे प्रांतीय नेतृत्व आदरणीय अतुल मिश्रा जी और सुरेश रावत जी के नेतृत्व में जैसा भी निर्देश आएगा उसके तहत हम लोग अगली रणनीति बनाने का काम करेंगे।